नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जी एस हिस्ट्री पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो ओल्ड जियोग्राफिक एनसीईआरटी क्लास चल रही थी उसके सातवें अध्याय को देखेंगे। और इसमें जो है मुख्य रूप से बात किसके बारे में की जाएगी, तो जो रोपण कृषि होती है, ठीक है। तो रोपण कृषि के बारे में हम देखेंगे और ये मुख्य रूप से कहाँ पर होती है, तो मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से की जाती है ये। तो मलेशिया जो मलेशिया द्वीप है वो आएगा, और इंडोनेशिया जो हिंद महासागर के द्वीप होते हैं जो वो आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे परिभाषाएं दे रखी होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है कि रबर स्टेट क्या होते हैं, ठीक है। रबर स्टेट क्या होते हैं, तो भूमि के वे बड़े बड़े भाग जिन्हें जिन पर यानी कि जिनमें रबर के वृक्षों का क्या कहते हैं, रोपण किया जाता है, यानी कि वहाँ पर प्लांटिंग की जाती है, ठीक है। तो उसको ही क्या बोलते हैं, रबर स्टेट। तो कहीं पर भी अगर आएगा आपका कि रबर स्टेट, तो आप समझ जाइए क्या है, वहाँ पे बागान लगाए गए हैं बहुत बड़े बड़े रबड़ के पेड़ के, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि दक्षिण पूर्व के देश, ठीक है, जो साउथ ईस्ट हो गया, दक्षिण पूर्व का एरिया हो गया, वहाँ के जो देश हैं मलेशिया और इंडोनेशिया से भारत के क्या है, घनिष्ठ संबंध हैं। इन दोनों देशों की क्या है, स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके एक ओर क्या है, हिंद महासागर है, और दूसरी ओर क्या आपको मिलेगा, प्रशांत महासागर दिखाई देगा, ठीक है। चलिए अब मलेशिया की बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम, तो जो मलेशिया देश है वो आपको जो है मैप में देखिएगा उसको, ठीक है। तो मलेशिया एक द्वीप आपको दिखाई देगा, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो वो कहाँ पे आपको मिलेगा, जो है विषुवत वृत्त जो है यानी कि विषुवत रेखा के नज़दीक मिलेगा, यानी कि 0 डिग्री जो है लैटिट्यूड है वो, हाँ लैटिट्यूड है जो वहाँ पे आपको दिखाई देगा, यानी कि विषुवत रेखा अक्षांश पे जो आपको दिखाई देगा मलेशिया। तो वही लिखा है कि चित्र में आप देखिए इसको, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो मलेशिया जो है वो विषुवत वृत्त के निकट ही है, ठीक है, विषुवत वृत्त के पास में है, उत्तर में स्थित यानी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ये। यह देश दो भागों में बटा हुआ है, यानी कि दो हिस्सों में बटा हुआ है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से काफी दूर पर है, यानी कि अलग अलग हैं, पृथक पृथक स्थित हैं। ये जो है भाग कहाँ है, एक तो मलाया प्रायद्वीप है जो एशिया के क्या है मुख्य भाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप मैप में देखेंगे इसको तो वहां पर आपको दिखाई देगा। और दूसरा क्या है, जो बोर्नियो द्वीप है उसका उत्तरी भाग जो है वो किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो मलेशिया के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। तो आपने देख लिया जो मलेशिया जो देश है वो दो हिस्सों में जो है फैला हुआ है, दो भागों में फैला हुआ है, वो एक जो है वो एशिया की जो मुख्य भूभाग है, जो मुख्य भूमि है उससे लगा हुआ है, और दूसरा जो है वो क्या है, बोर्नियो द्वीप एक है उसके ऊपर जो है उसका अधिकार है, उत्तरी भाग जो है इसका है वो मलेशिया के अंतर्गत ही है। अब यहाँ देख लेते हैं भूमि कैसी है और जलवायु यहाँ पे किस प्रकार की पाई जाती है। तो मलाया जो प्रायद्वीप के मध्य भाग में क्या है, एक पर्वत श्रेणी जो है वो रीढ़ की हड्डी की भांति फैली हुई है। तो इसके जो मलाया प्रायद्वीप जो है, ठीक है, उसके मध्य भाग में जो है एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है। यह दोनों ओर स्थित तटीय मैदानों की तरफ एकदम ढालू होती गई है, यानी कि उसका जो ढाल है वो क्या है, तटों की तरफ है। और पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा क्या अधिक चौड़े हैं। तो बस ये तो फैक्ट हो गया कि पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो चौड़े हैं और पूर्वी तटीय मैदान वो कम चौड़े हैं। पर्वतीय भागों की मिट्टी उपजाऊ नहीं है। देखिए कहीं कभी भी देखिएगा तो मिट्टी जो होगी हमेशा कहाँ की उपजाऊ होगी, जो घाटी एरिया का होगा, यानी मैदानी एरिया जो होते हैं जहाँ पर हर साल बाढ़ आती है, वो मिट्टी कैसी होती, उपजाऊ होती है। तो ऐसे में क्या होगा, जो पर्वतीय भागों की मिट्टी कैसी होगी, वो उपजाऊ नहीं होती है, किंतु मैदानों और घाटियों में उपजाऊ काप मिट्टी, काप मिट्टी मतलब जलोढ़ मिट्टी जो होती है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अलुवियल सॉइल, वो होती है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत ही अच्छी मिट्टी होती है। अब जलवायु की बात कर लेते हैं। तो अब देखिए जलवायु कैसे निर्धारित होगी कि वो चीज़ कहाँ पे है, वो देश कहाँ पे स्थित है, किस अक्षांश पर स्थित है। तो विषुवत रेखा के नज़दीक है, तो इसका मतलब वहाँ पे जो जलवायु होगी कैसी होगी, वो विषुवतीय जलवायु होगी, ठीक है। तो वही लिखा, देश की जलवायु जो है कैसी है, विषुवतीय, अर्थात कैसी होती है, विषुवतीय जलवायु की खास बात क्या होती है, वर्ष भर वर्षा होती है और गर्मी होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, उष्णाद्र, यानी कि उष्ण यानी गर्म भी है और आद्र, आद्र का मतलब जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, ज़्यादा बारिश होती है। देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग जो है
तीन चौथाई भाग जो है इसी के अंतर्गत जो है आता है, इसी जलवायु के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे मैप में दिखाया गया है तो आपको जो है जो मलेशिया जो द्वीप है पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं अपने जो नया मैप है उसमें देखिएगा, अच्छे से दिखाई देगा आपको मलेशिया ये। ठीक है, तो इसमें तो इतना अच्छा नहीं दिखाई देगा क्योंकि पुराना मैप है ये, तो आप जब नया मैप जो देखेंगे तो आपको वहाँ पे ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा अच्छे से। और वहाँ पे आप देखेंगे जो बोर्नियो आइलैंड है वो, तो बोर्नियो आइलैंड या द्वीप है जो, उसका जो उत्तरी हिस्सा वो भी क्या है, मलेशिया के अंतर्गत ही आता है, जैसे ये एरिया एरिया हो गया। ठीक है, और जो उसका जो मुख्य भूभाग से जो है तो वो भी जो है ये वाला, जैसे ये वाला हिस्सा हो गया यहाँ पर आपका, तो वो मलेशिया का जो है एशिया से जो मुख्य भूभाग है उससे जुड़ा हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर जो है वन कौन से पाए जाएंगे, मुख्य रूप से जो है तीन चौथाई भाग पर जो है सदाबहार वन, सघन वन पाए जाते हैं, यानी बहुत ही बड़े हिस्से पर जो है सघन वन पाए जाते हैं। सदाबहार वन होंगे क्योंकि यहाँ पे जो जलवायु कैसी है वो विषुवत रेखीय यानी उष्ण और आर्द्र है, तो यहाँ पे वर्षा जो हमेशा होती है, साल भर होती है, इसलिए जो यहाँ पे वन पाए जाएंगे कैसे पाए जाएंगे, वो सदाबहार पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आर्थिक विकास क्या है, यानी कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। तो यद्यपि मलेशिया का जो अधिकांश भाग कैसा है, पर्वतीय और वनों से ढका हुआ है, किंतु फिर भी जो है इसके छठवें भाग पर यानी कि 1/6 भाग पर क्या की जाती है, कृषि की जाती है, एग्रीकल्चर है इस एरिया पर। अधिकांश लोगों का जो मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि ही है, यानी इस एरिया का जो मलेशिया के जो देश के निवासी हैं क्या करते हैं, कृषि करते हैं। यहाँ के जो कृषक हैं वो चावल उगाते हैं, रबर, कोको, काली मिर्च, अनानास, केला, टेपियोका और नारियल पैदा करते हैं। तो यहाँ की क्या है, मुख्य फसलें हैं ये। चावल यहाँ के मुख्य लोगों का क्या है, मुख्य भोजन है, क्योंकि चावल होगा, गर्म प्रदेश है तो गेहूं तो होगा नहीं, यहाँ पर चावल ही होगा ना, तो चावल यहाँ के लोग का मुख्य भोजन है। चावल की पैदावार कम होने के कारण जो है देश की जो आवश्यकता के लिए चावल का आयात करना पड़ता है, यानी कि जितना ये चावल का उत्पादन करते हैं वो उतना, जितनी ज़रूरत है वो उतनी उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है ये, तो क्या करते हैं ऐसे में चावल का ये आयात करते हैं। रबर यहाँ की क्या है, मुख्य उपज है, तो ध्यान रखना रबर जो है मलेशिया की क्या है, मुख्य उपज है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि के 65% भाग पर रबर के जो है स्टेट्स बनाए गए हैं, यानी कि ठीक है रबर की खेती होती है, तो वही लिखा हुआ है रबर के वृक्ष लगाए गए, यानी कि खेती जो है मुख्य रूप से होती है तो किसकी हो रही है, चावल की नहीं होकर के मुख्य रूप से किसकी हो रही है, 65% हिस्से पर जो है रबर की खेती हो रही है। इन कृत्रिम वनों को रबर स्टेट कहते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, इनमें रबर के वृक्षों का जो है इस, यानी जो स्टेट होते हैं रबर स्टेट होते हैं, इनमें क्या होते हैं रबर के जो पेड़ होते हैं उनको समान दूरी पर पंक्तियों में जो है यानी लाइन्स में लगाया जाता है। इन स्टेटों का प्रबंधन जो है बड़ी बड़ी कंपनियाँ करती हैं, ठीक है, ये कंपनियां जो होती है रबर की किस्म में सुधार करने में पर्याप्त धन व्यय करती हैं, यानी कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन स्टेट्स को जो है रखरखाव करती हैं, उनके लिए वैज्ञानिक अनुसंधान कराती हैं, कैसे कौन सा पेड़ अच्छा है, कौन सी किस्म के पेड़ को लगाया जाए, कैसे सुधारा जाए, ठीक है ये सारे काम करती हैं। इस वैज्ञानिक और व्यापारिक कृषि को जिसमें एक ही फसल का अत्यधिक उत्पादन होता है, इसको क्या बोलते हैं, रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है। आजकल मलेशिया जो है विश्व के लगभग 1/3 रबर का उत्पादन करता है, तो विश्व में अगर सबसे ज़्यादा कोई रबर का उत्पादन करता है तो कौन करता है, वो मलेशिया देश ही है। अब यहाँ के खनिजों की बात कर लेते हैं, तो मलेशिया के खनिज जो पदार्थों में टिन जो है अधिक महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से जो है टिन धातु मिलती है। वास्तव में टिन उत्पादन और निर्यात में मलेशिया का जो है विश्व में प्रथम स्थान है। नारियल का तेल और अन्य जो अनानास जो है मलेशिया की क्या है, अन्य प्रमुख निर्यात की वस्तुएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिख रखा है कि वास्तव में जो टिन उत्पादन जो है और निर्यात में मलेशिया के विश्व में प्रथम स्थान है, तो इस ये डाटा पुराना दे रखा है, ठीक है। आप जब कभी पढ़िएगा अपने एग्जाम से पहले देख लीजिएगा कि टिन का उत्पादन जो है करने में सबसे अधिक कौन है और निर्यात में कौन है, ठीक है। तो ये डाटा ये पुराने हो बदलते रहते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको सही नहीं मानना है आपको, ठीक है। जो नया डाटा आप एग्जाम देने से पहले पढ़ करके जाएंगे वही सही माना जाएगा, ठीक है। फिर देश में जो चावल की जो है खेती है मुख्य रूप से अलग फसल में, तो देश में चावल जो है मशीनों और
चावल हो गया और मशीनों हो गया, और इनका क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, क्योंकि जितना चावल उगाते हैं उससे उनका जो है जरूरत नहीं पूरी हो पाती है। तो चावल हो गई, मशीन हो गई, और इन सब वस्त्रों का क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। अब जनसंख्या की बात कर लेते हैं, जो हमको ये डाटा याद नहीं रखना क्योंकि ये डाटा पुराना है, ठीक है। मलेशिया की कुल जनसंख्या लगभग कितनी है, 1,92,00,000 है, तो लगभग मान लो कि 2 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है यहाँ पर। और जनसंख्या का औसत जनघनत्व कितना है, 58 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो जनसंख्या का जो जनघनत्व है वो देखिए देख रहे हैं आप कम है, ठीक है। मलय यहाँ के मूल निवासी हैं, जिनकी संख्या जो है सर्वाधिक है, ये मलय भाषी है, इनकी भाषा इनकी जो है मलय है, तथा इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। तो ये किस धर्म को फॉलो करते हैं, तो इस्लाम धर्म को ये फॉलो करते हैं। शेष जनसंख्या में जो है चीनी और भारतीय लोग सम्मिलित हैं, तो भारतीय लोग भी रहते हैं यहाँ पर हैं और चीनी लोग भी रहते हैं यहाँ पर। ये लोग जहाँ पर जो है, जो भारतीय और चीनी लोग हैं यहाँ पर टिन की खानों में और रबर जो स्टेट हैं वहाँ में कार्य करने अथवा व्यापार करने के लिए आए थे। कुआलालमपुर जो है मलेशिया की क्या है, राजधानी। तो हमें हर देश की राजधानी तो कम से कम पता होनी चाहिए, खास तौर पे जो भारत और भारत के पड़ोसी देश हैं, या फिर जो है दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, दक्षिण एशिया के देश हैं, उनकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। मलेशिया का जो अधिकांश जो है विदेशी व्यापार किससे होता है, सिंगापुर के द्वारा होता है। सिंगापुर क्या है, एक छोटा सा स्वतंत्र द्वीप राष्ट्र है। यह दक्षिण पूर्व एशिया का एक सार्वभौम नगर है जहां विभिन्न देशों के लोग साथ साथ रहते हैं। तो ये होगी सिंगापुर की बातें। अब हम देख लेते हैं हिंदेशिया की बात करेंगे, ठीक है। तो हिंदेशिया में क्या है, कुल मिलाकर के लगभग जो है 3,000 द्वीप हैं, ठीक है, 3,000 या 3,000 से अधिक द्वीप हैं, ठीक है, हिंदेशिया में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं वहां पर। चलिए आगे देख लेते हैं, ये द्वीप जो है कहाँ पे हैं, ये द्वीप जो है विषुवत वृत्त के साथ साथ, तो विषुवत वृत्त के साथ साथ हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जलवायु कैसी होगी, गर्म होगी और आर्द्र होगी। पश्चिम से पूर्व में लगभग जो है 5,000 किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैले हुए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं हिंदेशिया में जलवायु कैसी है और भूमि कैसी है। तो हिंदेशिया के मानचित्र में बड़े द्वीप कौन कौन से हैं, जैसे अंदलस हो गया, जिसका नया नाम क्या है, सुमात्रा, ठीक है, तो आप मैप में देखेंगे आप, ठीक है। तो जो हिंद महासागर का जो पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे आपको दिखाई देगा सुमात्रा, जावा दिखाई देगा, मदुरा दिखाई देगा, बाली हो गया, कालीमंतन, कालीमंतन जो है बोर्नियो कहलाता है, सुलवेसी हो गया, मुलुकू हो गया, और पश्चिमी इरियन को ध्यान से देखें, यह आपको मैप में बताया गया है, इन सब देशों को आप देखिए, ये हिंदेशिया के सारे देश हैं, ठीक, बड़े बड़े जो देश हैं। वैसे हैं तो 3,000 लगभग द्वीप, ठीक है। हिंदेशिया क्या है, एक पर्वतीय देश है, तो यानी जो ये बने किस पे हैं, पर्वतों पे बने हुए हैं। इन द्वीपों की श्रृंखला में जो है पर्वत श्रेणियां रीढ़ की हड्डी की भांति फैली हुई है, ठीक है। इनमें क्या है, अनेक ज्वालामुखी पर्वत हैं। हिंदेशिया का एक ज्वालामुखी जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध हो गया, क्या नाम है, क्राकाटोवा, ठीक है, क्राकाटोवा था। सन 1883 में हुए भयंकर विस्फोट के पश्चात अब वहाँ केवल एक छोटा सा द्वीप तथा एक झील ही शेष है। हिंदेशिया की जलवायु कैसी है, विषुवतीय है। तो हमने भी देख लिया था कि जो हिंदेशिया जो है कहाँ पे है, विषुवत वृत्त के पास है, तो यहाँ की जो जलवायु कैसी है, वो विषुवतीय जलवायु है, ठीक है। अधिकांश द्वीपों में क्या, सघन वन पाए जाते हैं। हिंदेशिया के कुछ भागों में ज्वालामुखी के लावा से निर्मित मिट्टी बहुत ही क्या है, उपजाऊ है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि आर्थिक विकास की गतिविधियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो हिंदेशिया के कुल क्षेत्रफल के केवल 8वें भाग पर ही कृषि होती है, किंतु देश की जो है 3/4 जनसंख्या जो है कृषि में लगी हुई है, यानी कि खेती के लिए जो जगह है वो कम है और लोग ज़्यादा लगे हुए हैं। कृषि मुख्यतः जो कहाँ पर होगी, जाहिर सी बात है पर्वतीय इलाकों में होगी नहीं, जहाँ मैदानी इलाका होगा यानी तटवर्ती इलाका होगा, तो तटवर्ती निम्न भागों और नदियों की घाटियों में ही मुख्य रूप से खेती होती है। यहाँ पर सबसे अधिक कौन सी खेती होती है, सबसे यहाँ पर ये लिखा हुआ, सबसे अधिक जो है खेती जावा द्वीप में होती है, तो वहाँ पे जो है मुख्य रूप से खेती की जाती है, क्योंकि बड़ा होगा आकार में थोड़ा ये। फिर अब यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन सी फसल उगाते हैं, तो फसल कौन सी है, चावल आपकी होगी। तो चावल यहाँ की क्या है, प्रमुख खाद्य फसल है, किंतु देश की जनसंख्या के लिए इसका पर्याप्त उत्पादन नहीं हो पाता है, क्योंकि जगह कम है, लोग ज़्यादा हैं,
डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो क्या करेंगे, आयात करना पड़ता है। तो अतः चावल का क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है। यहाँ आयात की जाने वाली वस्तुओं में क्या है, चावल कि मात्रा जो है वो क्या है, सर्वाधिक होती है। ठीक है, फिर मक्का हो गया, कसावा हो गया, तो मक्का हो गया, कसावा हो गया, मूंगफली हो गई, ठीक है, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, नारियल है, यहाँ के अन्य क्या है, प्रमुख फसलें हैं। मलेशिया की भांति जो है इंडोनेशिया भी जो है रोपण कृषि के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, किंतु यहाँ पर अनेक प्रकार की जो है रोपण फसलें पैदा की जाती हैं। कौन कौन सी, रबर जैसे हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, सिनकोना हो गया, सिनकोना से ही जो है मच्छर मारने की दवाई को बनाया जाता है, ठीक है, सिनकोना हो गया, और चाय इसमें जो है मुख्य रूप से जो है सम्मिलित हैं। हिंदेशिया जो है विश्व की जो है सबसे अधिक सिनकोना उत्पादक देश है, और सिनकोना से क्या बनाई जाती है, कुनैन बनाई जाती है, ठीक है, तो इसका जो है मलेरिया के उपचार में जो है कुनैन गोली का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और मलेरिया बीमारी किससे होती है, मच्छरों के काटने से होती है, आपको पता ही होगा ये तो। चलिए, तो ध्यान रखिए सिनकोना की जो छाल होती है, एक पेड़ होता है सिनकोना, ठीक है, उसके पेड़ की छाल से बनाई जाती है क्या, कुनैन की गोली बनाई जाती है, जो मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल की जाती है। हिंदेशिया जो है खनिज पदार्थों में धनी है, यहाँ पर टिन के विशाल भंडार हैं, यहाँ खनिज तेल भी पाया जाता है, ठीक है, सोना हो गया, लोहा हो गया, बॉक्साइट हो गया, और मैंगनीज भी यहाँ पर मिलते हैं। हिंदेशिया में क्या है, छोटे पैमाने के विभिन्न उद्योगों देश के विभिन्न भागों में क्या है, स्थापित हैं। आजकल जो है यहाँ पे नवीन उद्योग जैसे कौन कौन से, चीनी हो गया, कागज उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, लोहा का हो, लोहा और इस्पात उद्योग हो गया, रासायनिक पदार्थ और खनिज तेल का भी विकास हो रहा है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे जनसंख्या की बात कर लेते हैं, तो आंकड़े तो पता ही आपको है, पुराने हैं, तो यहाँ पे कुल जनसंख्या कितनी है, 19 करोड़ है, तो यानी कि अच्छी खासी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है, 102 व्यक्ति प्रति किलो प्रति वर्ग किलोमीटर में है फैला हुआ, ये मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं, और किंतु जनसंख्या का जो वास्तविक वितरण का है बहुत ही असमान है, यानी कहीं पर ज़्यादा लोग रहेंगे और कहीं पर बहुत ही कम लोग रहेंगे। देश के कुछ भागों में जनसंख्या का जो घनत्व है वो क्या है, 900 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, जबकि अन्य भागों में क्या है, बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है। चलिए आगे देख लेते हैं, देश की जो अधिकांश जनसंख्या जो है वो किस धर्म को अपनाती है, तो देश की जो अधिकांश जनसंख्या है वो इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। इसके अतिरिक्त क्या है, हिंदू भी रहते हैं, बौद्ध हो गया, ईसाई भी यहाँ पे निवास करते हैं। भाषा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ की जो राष्ट्रभाषा जो है क्या है, वो हिंदेशिया है, ठीक है, तो हिंदेशिया जो है यहाँ की राष्ट्रभाषा है। यह मलय भाषा से मिलती जुलती है, और इसमें संस्कृत और अरबी भाषाओं के जो अनेक शब्द मिलते हैं, यानी हिंदेशिया भाषा में। और जकार्ता यहाँ की राजधानी है, तो अब बात करते हैं राजधानी हिंदेशिया की, तो वो क्या है, जकार्ता, और सुराबाया और बाडुंग अन्य प्रमुख नगर हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का चैप्टर, जिसमें हमने मलेशिया को पढ़ लिया और हिंदेशिया को पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ पर रोपण कृषि के बारे में बताया गया है कि क्या होती है, तो हमने पहले देख लिया कि वैज्ञानिक तथा व्यापारिक खेती, जिसमें विशेषकर एक ही फसल का उत्पादन होता है, उसको क्या बोलते हैं, रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ज्योग्राफी के और दूसरे वीडियो को देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे ओल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे 6th क्लास से लेकर के 8th क्लास तक की आपको जो है पुरानी एनसीईआरटी के वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपनी ज्योग्राफी को समझ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।